इंग्लिश का हिंदी में इतना फर्क नहीं है। 1969 में घूमर महाविद्यालय बीकानेर के रेगुलर स्टूडेंट के रूप में मैं रेल में लेते हुआ, और जब रिजल्ट आया तो मुझे ऑर्डर ऑफ मेरिट में सेकंड घोषित किया यूनिवर्सिटी में। मैंने उसमें क्लेम किया था कि मैं सेकंड नहीं, मैं फर्स्ट हूँ, और उसके मैंने अपने ग्राउंड्स दिए थे। और यहाँ मुंशी कोर्ट के अंदर मैंने एक स्विम सूट किया कि मुझे फर्स्ट डिक्लेयर किया जाए और मुझे गोल्ड मेडल अवार्ड करने का यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दिया जाए। मैं वो केस जीत गया, एक प्राइवेट पार्टी अपील में चली गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, वो मैं जीता। उसके बाद में वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में मैं जीता। 2003 में हाई कोर्ट में फैसला किया और 12 साल लगभग 12 साल तक यूनिवर्सिटी ने इस केस को, इस फैसले को दर्ज कर दिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर हमने यहाँ पर 12 साल ख़त्म हो रहे थे, नया होती है, तो इस एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो कोर्ट ने दी मेरे फेवर में, उसके एग्जीक्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई। उसके परसेंस में जब उनको नोटिस गया तो यूनिवर्सिटी के समझ में आया कि गंभीर मामला है, कि हम कोर्ट के ऑर्डर से कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि मुझे गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ये दोनों अवार्ड करें, और पहले आया था कि आपको कन्वोकेशन पर देंगे, फिर ये कन्वोकेशन का तय नहीं है। और मैं अभी 81 ईयर्स का हूँ, मैं तो अभी उनका कन्वोकेशन तय नहीं है। तो उन्होंने कहा था हम स्पेशल फंक्शन करके आपको 23 जून को ये स्वर्ण पदक दे देते हैं और मेरिट सर्टिफिकेट आपको 23 जून को दे देते हैं, आप आइए। उनके निमंत्रण पर आज मैं गोल्ड मेडल लेने जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा कहते हैं कि मुझे बताया गया है उनके वकील के द्वारा कि उन्होंने एक कोई छोटा आयोजन भी रखा है, उसमें लॉ डिपार्टमेंट के सब प्रोफेसर वगैरह सब इकट्ठे हुए, उस उनके बीच में मुझे गोल्ड मेडल देंगे जैसा उनका प्रोसीजर है। कहाँ पे है सर ये कहाँ पे प्रोग्राम, कहाँ है ये प्रोग्राम? ये वाइस चांसलर के चैम्बर में ही, वाइस चांसलर का जो विंग है। कहाँ पे है, कहाँ पे? जयपुर, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जो चैम्बर है उसमें हमें उन्होंने इन्वाइट किया। आज रात को कितने बजे जा रहे हो सर? मैं ये 11 बजे एक ट्रेन जाती है गंगानगर कोटा, उससे जयपुर जाए। फिर उसमें ये भी